हेलो फ्रेंड्स, मैं संबला कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब तक आपने पढ़ा है सर्कुलर क्यू, हमने क्यू इंक्लूड किया है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, वो कैसे वर्क करता है, उसके कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और वो क्या होते हैं। उसके बाद मैंने वो सारे ऑपरेशन इन डिटेल भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, इंसर्शन ऑपरेशन किया है, डिलीट ऑपरेशन किया है, दोनों साथ में अगर परफॉर्म करने हैं तो हमें क्या करना होगा वो भी मैंने 8 वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और अब की बारी है, हमें पढ़ना है कि इंसर्शन ऑपरेशन का फंक्शन हम C++ में कैसे लिख सकते हैं। तो कंटेंट को जाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो देखते हैं इंसर्शन फंक्शन को हम C++ में कैसे लिखते हैं, उसका लॉजिक हमें कैसे डेवलप करना है। तो अब तक आपको ये पता ही होगा कि हम इंसर्शन ऑपरेशन करते टाइम हमें इट्स फुल और ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है, और वैसे ही अगर हमें डिलीट ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमें इज एम्प्टी और इज अंडरफ्लो ऑपरेशन हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन ऑपरेशन का अल्गोरिदम। डिलीशन वाला अल्गोरिदम मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि इंसर्शन ऑपरेशन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे कि लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि इंसर्शन ऑपरेशन सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्यू फुल है या नहीं। अगर क्यू फुल होती है तो हम कोई इंसर्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, तो हमें कंडीशन ऐसे चेक करनी है कि अगर हमारा रेयर, क्योंकि हम रेयर एंड पे इंसर्ट करने वाले हैं, तो अगर हमारा रेयर का नेक्स्ट पोजिशन फ्रंट के पोजिशन पे है, यानी कि रेयर प्लस वन जो है वो हमारा फ्रंट है, इसका मतलब कि हमारा क्यू फुल है। यहाँ पे मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर हमें हेल्प करता है कि सर्कुलरली भी हम चेक कर सकते हैं रेयर और फ्रंट का पोजीशन। मान लो कि आपके क्यू का साइज 10 है और रेयर अभी 9th पोजीशन पे है और फ्रंट 0th पोजीशन पे है, तो रेयर 9 प्लस 1 इज 10, 10 मॉड्यूलो 10 रिजल्ट इज 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, इट इंडिकेट्स दैट हमारा क्यू फुल है। तो अगर हमारा क्यू फुल है तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले कर लेना है क्यू इज फुल और वहां से हमें एग्जिट हो जाना है। तो सबसे पहले ये वाली जी चीजें हमने अभी देखी है वो प्रोग्रामिंग में हम कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एनक्यू ऑपरेशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये हो गया आपका एनक्यू ऑपरेशन। एक्स जो है वो एलिमेंट है जो कि हमें इंसर्ट करना है। तो ये फंक्शन में सबसे पहले हमें देखना है इज फुल, फंक्शन का डेफिनेशन हमें लिखना है। तो ये जो इज फुल का डेफिनेशन है मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इज फुल का रिटर्न टाइप क्या है, तो वो है बुलियन, क्योंकि इज फुल हमें यस और नो में रिजल्ट देने वाला है, क्यू फुल है या नहीं। अगर है तो यस, नहीं तो नो। तो पहले देखते हैं कि इज फुल की डेफिनेशन में हमें क्या लिखना है। हम दो तरह से ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि अगर हमारा फ्रंट जीरो पोजीशन पे है और रेयर जो है वो साइज माइनस वन पोजीशन पे है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्यू फुल है और हमें रिटर्न ट्रू वैल्यू कर लेना है। और ये पोजीशन नहीं है तो हमें ये भी चेक करना है कि जो फ्रंट है उसके इमीडिएट नेक्स्ट पोजीशन पे, रेयर के नेक्स्ट इमीडिएट पोजीशन पे फ्रंट है या नहीं। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। तो ये दो कंडीशन सेपरेटली हमें परफॉर्म करनी है क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। ये तो कंडीशन हो गया आपका लीनियर क्यू के लिए, बट ये हो गया आपका अगर ये सर्कुलर क्यू है तो ये दोनों कंडीशन हमें सेपरेटली परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इसके बगैर अगर ये सारी चीजें छोड़ के जो मैंने अभी लाइव स्लाइड पे एक्सप्लेन किया था वो वाली एक ही कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारा फ्रंट रेयर प्लस वन के मॉड्यूलो साइज पोजीशन पे है तो हमें ये बता देगा कि हमारा क्यू फुल है, तो हमें कंडीशन ट्रू रिटर्न करना है।
तो ये रिटर्न करने के बाद ये इफ फंक्शन इफ कंडीशन में आ जाएगा, और ये इफ कंडीशन ट्रू होने के बाद हम लिख लेंगे क्यू इज फुल, जो कि हमने अब तक देखा था इस एल्गोरिदम में। तो अभी आगे जाते हैं, यहां तक हमने देखा कि ये चीजें हम प्रोग्रामिंग में कैसे एक्सप्लेन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर नहीं है, ये फुल नहीं है, तो हमें क्या करना है? तो हमें ये चेक करना है कि जो एलिमेंट हम इंसर्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं। उसके लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी है? तो हमें चेक करनी है फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन। तो फ्रंट माइनस वन को है, ये हमें अगर पता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, और अगर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है तो हमें उसको डिफरेंटली ट्रीट करना है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो हमें दोनों पॉइंटर्स, दैट इज रेयर और फ्रंट पॉइंटर, दोनों को जीरो पे इनिशियलाइज कर लेना है। तो चलो ये प्रोग्राम में हम कैसे लिखते हैं वो देखना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है, मान लो कि ये कंडीशन इज फुल, ये फंक्शन को जंप करेगा, और ये कंडीशन फॉल्स है तो ये रिटर्न क्या करेगा? सबसे पहले ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अभी ये फॉल्स कर रिटर्न करने के बाद ये जो है वो इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो एल्स में चला जाएगा, और इस एल्स में हमें ये चेक करना है कि फ्रंट अगर माइनस वन पे है इसका मतलब सिंगल एलिमेंट है। तो सिंगल एलिमेंट होने के बावजूद हमें वहां पे फ्रंट और रेयर दोनों को जीरो पे इनिशियलाइज करना है। हालांकि आपको ये पता है कि इंसर्शन पे सिर्फ रेयर एंड पे वर्क होता है, पर ये फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए हमें दोनों को इनिशियलाइज करना है एट जीरो। अभी आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। अभी मान लो कि ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, ओके सॉरी, तो ये अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो ये जीरो पे इनिशियलाइज करने के बाद वो हमें वहां पे जीरो पोजिशन पे इंसर्ट कर लेना है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमें अभी एग्जीक्यूट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंसर्टिंग द एलिमेंट, तो रेयर पोजीशन पे मैंने एक्स एलिमेंट जो यहाँ पे हमने पास किया है इनक्यू फंक्शन को, वो इनिशियलाइज कर लेना है, और हमें मैसेज डाल देना है कि इंसर्टेड एक्स एलिमेंट इनटू द सर्कुलर क्यू। अभी मान लो कि ये जो है वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, अदर देन फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमें क्या करना है? तो हमें सर्क्यूलरली इंक्रीमेंट करना है। तो सर्क्यूलरली इंक्रीमेंट, इसका मतलब हमें रेयर को नेक्स्ट पोजिशन पे लेके जाना है पर मॉड्यूलो डिवीजन बाय साइज करके, क्योंकि ये सर्क्यूलर इंक्रीमेंट करने में आपको हेल्प करेगा। सर्क्यूलर इंक्रीमेंट क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। और उसके बाद रेयर को इंक्रीमेंट करने के बाद रेयर पोजिशन पे हमें एलिमेंट इंसर्ट कर लेना है। तो चलो ये देखते हैं हम अभी प्रोग्राम में कैसे करना है। तो यहाँ पे हम आ गए, हमें गो राउंड एंड राउंड कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है इसलिए एल्स में आ गए, और हमने रेयर को सर्कुलरली इंक्रीमेंट कर लिया, इसी को हम गो राउंड एंड राउंड कंसेप्ट बोलते हैं। और रेयर पोजीशन पे मैंने एक्स एलिमेंट को असाइन कर लिया, और मैंने मैसेज डिस्प्ले कर लिया कि मैंने ये एलिमेंट इंसर्ट कर लिया है, एक्स वाला एलिमेंट इंसर्ट कर लिया है। तो इसी तरह से हम इंसर्ट ऑपरेशन सर्कुलर क्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं, और जिसके लिए हमने एनक्यू ऑपरेशन और द इंसर्ट ऑपरेशन C++ में कैसे लिखना है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर लिया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो देखा, वीडियो से पढ़ा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, और पूरा वीडियो सीरीज का भी लिंक मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। थैंक यू, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।